नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9 Power वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में 6.39 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में 3.04 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi 9 Power से कम है। बात करें थिकनेस की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 0.38 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 198 ग्राम्स जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में IPS LCD जबकि Redmi Note 10 Pro Max में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Xiaomi Redmi 9 Power में 19:5:9 जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में 6.53 इंचेस जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi Redmi 9 Power में 1080x2340 और Redmi Note 10 Pro Max में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi 9 Power में 83.25% जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 85.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ सीएमरिया देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 Pro Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 10 Pro Max की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi 9 Power में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 10 Pro Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में Adreno 610 जबकि Redmi Note 10 Pro Max में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में Qualcomm Snapdragon 662 और Redmi Note 10 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में Android V10 Q जबकि Redmi Note 10 Pro Max में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Xiaomi Redmi 9 Power में 6000 mAh जबकि
Redmi Note 10 Pro Max में 5020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi 9 Power में 4 कलर्स जबकि Redmi Note 10 Pro Max में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 10 Pro Max की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro Max आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro Max आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro Max आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है, जो कि 20,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F12 है, जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus Nord Save 5G है, जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2 है, जो कि 34,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।